गुड मॉर्निंग। आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले जो है वो लिनियस पाउलिंग ने जो है वो 1931 में डेवलप किया था, जिस कारण इस थ्योरी को हम पाउलिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सेंट्रल पॉइंट है, ये हमें मेटल लीगेंड बॉन्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो मेटल लीगेंड बॉन्ड जो है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो है मिलेगी। और एक बार अगर मेटल लीगेंड बॉन्ड बन गया तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है वो फिक्स हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इस थ्योरी के थ्रू हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ज्योमेट्री को हम बता सकते हैं और उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम बता सकते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बेस्ड है मेटल लिगेंड बॉन्ड पे। जिस प्रकार वार्नर थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की इंफॉर्मेशन देता है, इसी प्रकार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये मेटल लिगेंड बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो है वो मेन पॉइंट्स आते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है वो समरी जो है वो आपको हम बता देते हैं। जो हमारा नॉर्मल कंपाउंड होता है, नॉर्मल कंपाउंड जैसे कि हमारा NaCl हो गया, तो NaCl मतलब सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड बना। क्यों बना? क्योंकि सोडियम चाहता है और क्लोरीन चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार हम अमोनिया में देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्यों बना? क्योंकि नाइट्रोजन चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन चाहता है कि उसका डायट कंप्लीट हो जाए। तो जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो खेल होता है स्टेबिलिटी का। एटम या एलिमेंट चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, इस कारण वो बॉन्ड बनाते हैं। तो जब सारा खेल स्टेबिलिटी का ही है तो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी चाहते हैं कि वो भी स्टेबल हों। तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर उसमें उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं जितने कि किसी नोबल एलिमेंट में होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसी नोबल गैस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, ये हम उसके ईएन नंबर के थ्रू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के थ्रू हम पता लगा देते हैं। तो ईएन जो है वो होता है हमारा जेड माइनस एक्स प्लस सीएन इंटू टू, जहां पे Z, X और CN, ये सारा का सारा सब कुछ जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही होता है। तो Z जो है वो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, X जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, और CN जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कहलाती है। अब यार ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या कहलाती है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड अटैच हैं इनटू उन लिगेंड की डेंटाइसिटी कितनी है, मतलब वो मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह हम ये लिख सकते हैं लिगेंड नंबर इनटू डेंटाइसिटी ऑफ लिगेंड। तो अगर हमें ये जो कंपाउंड है इसका हमें ईएन नंबर पता लगाना है, तो सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या है? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। माइनस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितनी है? वो +3 है, ये आप निकाल लेना। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं लिगेंड इनटू डेंटाइसिटी। तो लिगेंड कितने हैं टोटल? 6। तो 6, और अमोनिया की जो डेंटाइसिटी होती है वो 1 होती है इनटू 2, ये लिखा है इसकी जगह। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 36 आ गया। और 36 जो है वो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब है कि ये जो कोबाल्ट है इसने नोबल गैस
जो एलिमेंट है उसके कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया तो ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट होते हैं तो उसका पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम लूज रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन। एग्जांपल ये, अब ये जो कंपाउंड है इसमें सेंट्रल मेटल एटम ने जो है नोबल गैस एलिमेंट के कॉन्फिगरेशन को जो है वो अचीव कर लिया, तो सेंट्रल मेटल एटम ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किए। क्यों किए? क्योंकि उसको अमोनिया के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने हैं, और बॉन्ड बनाने के लिए उसको 6 ऑर्बिटल जो है वो खाली करने पड़ेंगे, बैकेंड रखने पड़ेंगे, तभी जो है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और 6 बैकेंड ऑर्बिटल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सम केस मेटल डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, तो कुछ केस में हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनमें लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने लायक बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। तो इस वाले केस में जो है हम निकिल का ईएन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, वो होता है 28। तो हम लिखेंगे 28 माइनस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले कंपाउंड में कितनी है, वो 0 है। कैसे निकालेंगे, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इंटू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आता है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है लीगेंड इंटू डेंडाइसिटी, तो लीगेंड कितने हैं 4, इंटू डेंडाइसिटी कितनी है इसकी कार्बोनाइल की 1 होती है इंटू 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह हम ये लिख सकते लीगेंड इंटू डेंडाइसिटी, तो हमने ये लिखा, तो टोटल जो इसका सम आया वो कितना आया, वो आया 36। तो कुछ केस में हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनमें लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने लायक बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सेकेंड पॉइंट था, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी एस कॉमा पी एंड डी ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उतने ऑर्बिटल एम्प्टी रखता है जितने की सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो यहां सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है, तो उसको 4 ऑर्बिटल जो है वो बैकेंड रखने हैं, क्योंकि तभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बैकेंड ऑर्बिटल में आएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोबाल्ट की कितनी है, 6 है, तो कोबाल्ट को जो है 6 बैकेंड ऑर्बिटल जो है वो रखने पड़ेंगे। यहां पे कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोबाल्ट को 6 बैकेंड ऑर्बिटल रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, लिगेंड नंबर इनटू डेंडाइसिटी। तो यहां पे जो C2O3 है ऑक्सिलेट आयन है उसमें नंबर तो यहां पे 3 गिवन है लेकिन उसकी डेंडाइसिटी 2 होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट कहलाता है, बैकेंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सेंट्रल मेटल एटम के जो बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिस कारण वो हाइब्रिडाइज होते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है सभी बैकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाए, एक जैसी हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा 3d7 4s2, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 3d में 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए, 4p बैकेंड है तो बैकेंड रख दिया। अब चूंकि यहां पे लिगेंड जो है 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 है, तो यहां पे कोबाल्ट जो चाहता है कि उसमें 6 बैकेंड ऑर्बिटल हो जाएं,
तो कोबोल्ट को 6 वैकेंट ऑर्बिटल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो कोबोल्ट जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो प्लस 3 का जो है उस पर साइन आ जाएगा। अब ये कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसमें कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा 3d6 4s 0। अब d में 6 और इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे फिल कर दिए, s में वैकेंट हो गया 4p वैकेंट 5, क्योंकि अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, जिस कारण ये क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड कर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो d में 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, 4s का ऑर्बिटल वैकेंट थाई, 4p का थाई, तो यहां पे 6 टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं, हमें पता है कि 4p की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर 3d की एनर्जी होती है और फिर 4s की एनर्जी होती है, आप बहुत के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो अभी तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर इस कंडीशन में लिगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है इक्वल होगी। इसका मतलब है इन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होना ही चाहिए, जिस कारण ये जो ऑर्बिटल है 6 के 6 ऑर्बिटल, तो 6 के 6 ऑर्बिटल जो है वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। तो d के हमने 2 ऑर्बिटल लिए थे तो d2, s का 1 था और p के कितने थे 3, तो d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कोवर्ट प्लस 3 में होगा। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फोर्थ पॉइंट है वो मेटल लिगेंड की बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहां पे मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है ये बताया गया है। तो लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के वैकेंट ऑर्बिटल के बीच जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है प्रेजेंट है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसा क्यों, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। NiCN होल 4 ब्रैकेट क्लोज -2, ये चार्ज है, यहां CN जो है एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है और निकल की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो निकल मेटल का कॉन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2 4p0। जब निकल +2 में होता है तो 4s की 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे, तो 4s में भी इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे फिल किए जाएंगे, 4s 0 है 4p भी 0 है। अब चूंकि CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, तो यहां कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा इस लिगेंड के कारण, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। तो अब हमको यहां पे लिगेंड्स कितने हैं, 4 है, निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है, तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल डी का रहेगा, एक एस का रहेगा, 2 जो है वो पी के यूज की जाएंगे। तो चूंकि इनकी एनर्जी कैसी है, अनइक्वल है, तो हमें इनकी एनर्जी इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कराना पड़ेगा। तो यहां पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं इस तरीके से, और बॉन्डिंग में इनर ऑर्बिटल यूज होता है, जिस कारण इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर वीक लिगेंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, CO(H2O)6 और ब्रैकेट के बाहर +2 जो है वो चार्ज है। H2O हमें पता है कि वीक लिगेंड जो है वो होता है, तो कोवर्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहां पे +2 में है, क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो कोवर्ट पे +2 का चार्ज ही रहेगा। तो कोवर्ट न्यूट्रल स्टेट में 3d7 4s2 4p0,
तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे होम्स रूल के अकॉर्डिंग, 4s में 2 और 4p 0 है। कोबाल्ट प्लस 2, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 थाई, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो कॉन्फिगरेशन ऐसा रहेगा। अब चूंकि H2O जो है वो वीक लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, और हमको बैकेंड ऑर्बिटल कितने चाहिए कोबाल्ट में, 6। तो 6 बैकेंड ऑर्बिटल, ये यहां से ऑर्बिटल बैकेंड हो नहीं पाएगा, तो 6 बैकेंड ऑर्बिटल हमको आगे वाले चाहिए। तो एक तो ये है और 3 ये है, तो टोटल 4, और हमको चाहिए है 6। तो फिर बाकी के 2 कहां से आएंगे, तो 4th सेल में डी ऑर्बिटल भी होंगे, तो डी ऑर्बिटल 4k यूज की जाएंगे। तो कोबाल्ट प्लस 2 चूंकि वीक लिगेंड है, तो 4d ऑर्बिटल भी यूज किए जाएंगे। तो S का 1, P के 3 और D के 2 ऑर्बिटल। अब चूंकि इनकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, तो ये 6 के 6 ऑर्बिटल जो होंगे क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, जिसके कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो sp3d2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड नहीं हो पाते, जिस कारण आउटर ऑर्बिटल जो है वो यूज करने पड़ते हैं। इस कारण से इनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो 6 पॉइंट होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो निकल है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, जिस कारण ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। जबकि एक कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें कोबाल्ट जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये है कि वो मैग्नेट से उतना ज्यादा स्ट्रांग तरीके से अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक का मतलब है कि रिपेल टू द मैग्नेट। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट था, ये हमें किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम में 2 ऑर्बिटल, एक एस और एक पी बैकेंड है, तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। अगर 3 ऑर्बिटल बैकेंड है, एक एस और 2p, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी ज्योमेट्री। अगर 4 ऑर्बिटल, एक एस और 3p है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर 4 ऑर्बिटल, एक डी, एक एस और 2p, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर 6 ऑर्बिटल बैकेंड है, 2d के, एक s का और 3p के, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर 6 ऑर्बिटल, एक s, 3p और 2d के बैकेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।